अब हम बात करते हैं NA47 की 47 की। इस हलके में 5 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। शोएब शाहीन जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो अब तक 1380 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब तारिक फजल चौधरी जिनका तारुक मुस्लिम लीग नून से है वो 680 वोट लेकर अभी तक दूसरे नंबर पर हैं। यह नतीजा सामने आया। अब हम रुक करते हैं डेरा इस्माइल खान का NA44 की बात करते हैं। 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। समा की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 2783 वोट लेकर वो यहां पर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है 2698 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं। बड़ा ही कड़ा मुकाबला है, ये कांटे का मुकाबला यहां पर जारी है। घोटकी का रुख करते हैं। यहां पर एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। NA 199 है ये। अली गौहर यहां पर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो यहां पर आगे हैं 745 वोट लेकर। और दूसरी जानिब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कयूम की जिनका ताल्लुक JUI-F से है, उनको अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 वोट ही मिल सके हैं जो कि दूसरे नंबर पर है।